हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से ग्रिड इफेक्ट यूज़ किया जाता है। अगर आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए दूसरे ट्यूटोरियल्स को अभी देखना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप इस वीडियो के बाद देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोज़ के लिंक पर क्लिक करके आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्रिड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए न्यू में जाके सॉलिड लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरह से ग्रिड इफेक्ट को इफेक्ट में जाके जनरेट में जाके चूज़ कर लेते हैं। तो अब ग्रिड इफेक्ट की छोटी छोटी सेटिंग्स भी साथ में कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रिड में लाइन का बॉर्डर 2 का रख लेते हैं। तो अब हम इस ग्रिड लेयर में कोई भी कलर फिल करेंगे। अब इस ग्रिड लेयर की पोजिशनिंग के लिए 3D स्पेस में इस लेयर को एडिट करने के लिए लेयर में हम 3D लेयर को चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसको यहाँ से खोल के इसके ट्रांसफॉर्म में स्टॉप वॉच की एक्स वैल्यू 95 कर देते हैं, जिससे कि हमारी ग्रिड लेयर 95 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। अब इसी ग्रिड लेयर की स्केल वैल्यू भी सेट कर लेते हैं। तो अब हम स्केल वैल्यू को अलग अलग एडिट करने के लिए इसके अनकंस्ट्रेंट बटन को ऑफ कर देते हैं, जिससे अब हम इन सभी वैल्यू को अलग अलग एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल की एक्स वैल्यू 100 की जगह 150 कर देते हैं, जिससे कि लेयर की एक्स वैल्यू स्क्रीन साइज से बड़ी हो जाए। अब इसी तरह से सेंटर वाली वैल्यू को हम 400 पर सेट कर लेते हैं, जिससे कि ग्रिड लेयर हमारे कैमरे की तरफ मूव हो जाएगी। सो हम तीसरी और लास्ट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम ग्रिड को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए इस पर ग्लो का इफेक्ट लगाएंगे, जिससे इन ग्रिड लेयर में थोड़ा ग्लो आ जाएगा। तो चलिए, अब हम इस ग्रिड लेयर की बैक साइड के फ्रंट को लीनियर वाइप के थ्रू थोड़ा फेड कर लेते हैं। जिस डायरेक्शन से आप इस ग्रिड लेयर को फेड आउट करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन को हम वाइप एंगल से सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में ही हम फिदर वैल्यू को भी एडजस्ट कर लेंगे। आपको ये हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा, आप अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़।